हरिओम नमस्कार। राजनीतिक और चुनावी वातावरण चल रहा है, देखिए प्रत्याशियों को देखिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं और लेकिन देख रहा हूं तो बड़ा कभी कभी कई तरह की मन में बातें आती, हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है और कभी कभी तो भविष्य को लेकर डर भी लगता है। जो प्रत्याशी में चुनने की आवश्यकता है, कौन प्रत्याशी है, हमारे दोनों हाथ पे लड्डू हो, एक किसी बड़े संवैधानिक पद में रहते हुए उसे भी छोड़कर आकर विधानसभा की लड़ाई लड़े और हमें टिकट मिल जाए और फिर यहाँ भी हम मलाई खाने लग जाए, एक बात इस प्रकार की है। यानी आपके अंदर में कहीं भी देशभक्ति भावना सेवा की बात बिल्कुल नहीं है। जहाँ मिले जितना मिले सारा मलाई हम ही खाए, इस भावना से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिन्हें अच्छा खासा अनुभव हुआ है, 25-30 वर्षों से एक कार्य को करते आ रहे हैं, उनका अनुभव और एक मात्र किसी पद की लालच में आकर वो कूद पड़े हैं चुनाव मैदान में, जबकि वो ऑलरेडी एक संवैधानिक पद पर हैं। चुनाव हमें करना है, कम से कम ऐसे लोगों को न दें जो किसी एक विशेष समुदाय के लिए काम करता हो और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं और सारी मलाई हम ही चाट जाएं। ऐसे भाव वालों को नहीं सोच समझकर चुनाव करने की आवश्यकता है, जो हमारे सनातन की, जो हमारे हिंदुत्व की, जो राष्ट्रवाद की, जो गोरक्षा की बात संतोष हमारे पर्व त्योहारों की भावना समझने वाला हो, ऐसे कोई चुनाव करना है। बाकी आप ही विचार करें कि आने वाला समय सुरक्षित हो और हमारा धर्म बचा रहे, इन बातों को ध्यान पर रखते हुए ही हमें मतदान करना है।